हेलो गाइस, तो कैसे हो? हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोग कैसे होंगे? मुझे लगता है आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, हम जा रहे हैं बागेश्वर। तो गाइस हमारा सफ़र, तो गाइस हमारे बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो गाइस पहले चलते हैं हम गुहारा, और हमारा बैग हो चुका है रेडी। तो गाइस हम चलते हैं। गाइस 5 मिनट की रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि पास ही में है, तो हम 5 मिनट में पहुंच जाएंगे गुहारा वो भी। तो गाइस हम लोग आ गए स्टेट बैंक पे, और यहाँ भाई साहब के यहाँ काम था फोटोकॉपी का, तो हम फोटोकॉपी कराते हैं। और तो हमारा न्यू खाता खुल रहा है ना, इसलिए बैंक में आना पड़ा। तो गाइस ये रही बैंक। तो गाइस थोड़ा इसमें काम है, इसके बाद हम चलते हैं। फोटोकॉपी होगी, हम स्टेट बैंक में जाएंगे और अंदर जमा कर। तो आज बहुत गर्मी लग रही है और ज़्यादा भीड़ है, चलो बाहर चलते हैं अब। भाई इस फार्म में बहुत टाइम लगा दिया है क्योंकि इस कम से कम 6-7 पेज है ना इसमें भरा है ना फार्म, इसलिए टाइम लगा दिया। तो भाई हम इसे सब जमा कर देंगे। तो आज चलते हैं बैंक में। आज बैंक वालों का हो गया लंच। तो गाय जो गए अभी लंच करने के लिए। तो गाय हम थोड़ा यहाँ पर घूम लेते हैं और थोड़ा पैसा निकाल लेते हैं, यहाँ पर जाएंगे। ये हमने वहाँ पर है ना 500 रुपये निकाल दिए, ये खर्चे के लिए चाहिए ना, वहाँ पर तक जाएंगे ना, इसलिए कह रहा हूँ। तो गाय हमने केला ले लिए 2 किलो और खाते चले जाएंगे, और ज़्यादा हमसे चले जाएंगे क्योंकि शाम को भी खाएंगे सुबह को भी खाएंगे, इसलिए हमने ले लिए क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा महंगा ही है ना। तो गाय लंच अभी तक हुआ नहीं उन लोगों का क्योंकि अभी बैंक वालों का ना टाइम लगा रहे हैं और काफ़ी लेट हैं, और कई कई उन्होंने 2 बजे किया था ना लंच, तो खाना खाएंगे इसलिए लेट हो जाएंगे। गाइस अभी तक मेरे हाथ में जब कागज़ जमा करके ना घर जाऊंगा मैं, और मेरा गाड़ी है ना 9:30 बजे के करीब है, तो मैं जाऊंगा। ठीक है, ओके। तो गाइस के वासी तो होगी नहीं क्योंकि 4 बज चुके हैं, छुट्टी होने वाली, चलो बस पकड़ेंगे अब। तो गाइस जो हम बैंक में थे ना, वो तो सारे लोगों को भगा दिया है, और बैंक वालों ने अपना गेट बंद कर लिया। तो करीब 4 बजे भगा दिया था, करीब हम वहाँ से 12 बजे आए थे बैंक के पास में, और 4-4 बजे भगा दिए, मतलब कि वहाँ पर काम भी नहीं हुआ, कागज़ वापसी है बैग में रख दिए मैंने। तो कहा 4 घंटा से वहाँ पर बैठ कर तो रहे, बहुत गर्मी रही वो वहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एसी वगैरह अभी नहीं चल रही थी कुछ, इसलिए ज़्यादा गर्मी थी और काफ़ी जनसंख्या भीड़ में थी, इसलिए बहुत गर्मी थी ना। तो गाइज हम जाएंगे अब टीकमगढ़, तो बस का वेट करेंगे। तो गाइज जब तक बस आएगी तब तक यहीं पे बैठेंगे। तो गाइज अब मौसम भी ख़राब है, देखो गाइज अभी अभी सीट मिलती है देखो, और काफ़ी भीड़ थी ना इसलिए। तो गाइज बहुत गर्मी है इसलिए उल्टी भी आ रही थी, और आने वाले हैं थोड़ी देर में। तो गाइस हम टीकमगढ़ में आ चुके हैं। तो गाइस ज़्यादा मतलब कि गर्मी होने की वजह से ना मुझे उल्टी आ रही थी ना, इसलिए मैं जल्दी उतर गया, बस इस वाली में आए थे बस में। गाइस थोड़ा हम घूम लेंगे, फिर इसके बाद में चलेंगे अपने हिल स्टेशन। हमारी ट्रेन का अभी 9:30 के करीब है। तो भाई इसमें पानी पी रहे हैं, तो इसमें अरत आ रहा है जिसमें थोड़ा करंट आता है, बस में कोई पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। आज मैंने पुलिस वालों से बोला तो बोल रहे यहाँ पे बोल रहे मतलब कि, तो भाई यहाँ पे बोल के देखता हूँ क्या होता है, मेरा तो कुछ नहीं लेकिन मैं जितना हो सके तो हेल्प कर सकता हूँ क्या। तो गाइस वो बोल रहा लाइट वाली ना है, और फिर बगैर लाइट की कैसे ठंडी हो जाएगी, खैर भी हो सकता है ऐसा, मुझे क्या बताने का काम था मेरा हो गया, और क्या अब क्या बैट करेंगे। तो
गाइस हमारा मोबाइल में बैटरी कम होगी मतलब 50%, तो हमारे पास काफ़ी समय है, हम चार्जिंग कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि पता नहीं क्या होगा, इसलिए हम चार्ज कर लेंगे और थोड़ा हम वेट भी करेंगे कि हमारे पास 3-4 घंटे अभी बाकी है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। और थोड़ा थक गया ना इसलिए आराम भी हो जाएगा। तो गाइस मेरा मोबाइल चार्ज लगना, लेकिन मेरे पास कहीं जगह नहीं मिली, जहाँ भी देख रहे हैं ना चार्जर हमेशा लगे हुए मिल रहे हैं। तो गाइस खोजेंगे, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलेंगे फिर भी ठीक है, नहीं वैसे तो ठीक है ना, लेकिन क्या करें, खोजेंगे कहीं पर ना कहीं पर तो मिलेगा ही। आज हमें मिली है चार लगाने के लिए, तो मैं तभी आया यहाँ पे और तभी आंटी जी हमसे चलेगी चार्ज खींच के बाद। तो आज अब थोड़ा वेट करेंगे, हमारे पास काफ़ी समय है। तो गाइस हम जहाँ पर चार्ज लगा रहे थे ना, वहाँ पे साला पता नहीं क्या हो गया, चार्ज बार बार हो रहा था और नहीं भी हो रहा था, क्योंकि पता नहीं, और दूसरे का चार्ज लगाया तो हो रहा था। तो गाइस मेरा चार्ज तो हो नहीं पाया, तो करीब इतना था उतना ही है 50%। तो गाइस अब हमारी ट्रेन आने वाली है, तो गाइस हम फिर मिलेंगे थोड़ी देर, कम से कम 4-5 मिनट में आने वाली है। तो गाइस हमारे दोस्त जो चुके हैं, क्या हाल है भाई? जी हैं भाई, अपने दोस्त भाई साहब, हम भी चलेंगे, ठीक है? तो हमारा संग चल रहा है, हम यार संग चलेंगे, तैयारी है, कोई बात नहीं, चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आज बहुत जनसंख्या है भारी, इसी ट्रेन में जाएगी सारी लगता है मुझे। तो साइड की बात करूँ तो इस साइड भी भारी जनसंख्या उपस्थित है भाई, इसी ट्रेन में आएगी तो आने वाली है, हॉर्न तो दे रही है गाड़ी। हम आ गए दुर्गागंज रेलवे स्टेशन। तो भाई यहाँ पर जितनी भी जनसंख्या दिख रही है ना, पूरी रेलगाड़ी है ना, सारे यात्री हैं वो भी दर्शन करने के लिए आए हैं गाइस। तो गाइस अभी थोड़ी दूर पहले उतर गए हैं। तो गाइस जहाँ तक आप उजाला देख रहे हैं, वहीं से मतलब की भीड़ है ज़्यादातर। और गाइस ये ट्रेन है ना, ये सारी बागेश्वर वालों वालों की है, सारी खाली हो चुकी है। और आप जहाँ तक लाइट देख रहे हैं, वहाँ से लेन लगी हुई है बिल्कुल, और एकदम टैक्सियों को भी लेन लगी हुई है।
आप देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर जितनी दूर तक मतलब कि 1 किलोमीटर दूर तक टैक्सियों की लाइन लगी है। तो गाइस काफ़ी टैक्सी हैं और एक पुल है जिसके हम ऊपर खड़े हैं। तो गाइस एक पुल है और आज यहाँ का रोड है ना पूरा जाम हो चुका है और मतलब कि वाहन की वजह से और अपनी जनसंख्या की वजह से इतनी बागेश्वर वालों की भीड़ है। चलो तो हट चले जाए तभी तो भाई। हम लोगों को तो वाहन तो वगैरह मिलनी है टैक्सी वगैरह। तो भाई अब इतने लोग हैं तो कैसे मिल जाएगी सब लोगों के लिए। तो भाई हम पैदल ही चल रहे हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा जनता है इसकी वजह से सारी टैक्सी भर चुकी हैं और निकल गई हैं। तो भाई अब पैदल ही चलना पड़ेगा, कम से कम 4 किलोमीटर दूर है। तो भाई अगर टेम्पो में लगे तो हम टेम्पो से चल रहे हैं। लोग तो ना पैदल ही चल रहे हैं क्योंकि टेम्पो की वजह से टेम्पो नहीं मिल रहा है, इसलिए पैदल ही चल रहे हैं। हम आ चुके हैं बागेश्वर की नगरी में आ गए हैं। तो गाइस ये हमारी सारी जहाँ तक दिख रही है वहीं तक है। तो गाइस वो बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं और हम करीब पास ही में आ चुके हैं। चुका ये दरवाजा है तो हमारे बागेश्वर महाराज जी का पूरा मह। तो गाइस यहाँ पर झाड़ू लग रही है इसलिए अब जाने नहीं दे रहे ना, इसलिए झाड़ू लग रही है ना। तो हम नहीं जा पाएंगे, सुबह जाएंगे। गाइस तो खाना की ओर खाने के लिए जा रहे हैं। तो गाइस हम बागेश्वर मतलब कि दरबार में आ चुके हैं जो अभी हम दिखा देंगे, सुबह नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ज़्यादा भीड़ हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा। तो भाई अभी हम शॉट वगैरह अच्छे से दिखा देते हैं और फिर सुबह की सुबह दिखा जाएगा। तो भाई चलते हैं हमारे शॉट की ओर। मतलब ये सामने है ना ये पेड़, इसमें लोग चबकते हैं और मतलब कि ज़्यादातर चबकते हैं लोग उस वाले पेड़ पे और काफ़ी मतलब जिसे भूत प्रेत की छाया हो और भी चबक सकते हैं। तो भाई उस वाले पेड़ पे मतलब कि चबकते हैं लोग। तो भाई ये हमारा मेन मंदिर है, अभी बंद है पर्दा। भाई गाय जो वहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं है वीडियो बनाना, फिर भी हमने बना ली थी तो फिर ताकि तो हम सही रही क्योंकि फिर बाद में दिक्कत आती ना तो सुबह तो मुश्किल ही रहेगा बनाने के लिए। तो गाइस
खिलखिलौना है, छोटू उड़ा रहा है। तो गाइस यहाँ पर महाराज जी रहते हैं, मतलब कि यहाँ दरबार लगता है इस वाले कांड में। दरबार लगेगा, रात के लगेगा। तो गाइस यहाँ पर भंडारा लगता है, मतलब कि यहाँ पर पीछे बुला रहे हैं। 10 बजे से लगता है, 10 बजे रात से भंडारा। तो गाइस ये भी दरबार है, दरबार होटल है। तो गाइस यहाँ पर भी दरबार लगता है, मतलब कि बनता जा रहा है ऊपर मकान। तो गाइस हम खाना खाते हैं, तो खिचड़ी मिल चुकी है हमारे लिए। तो गाइस आप ब्लॉग पर कर रहे हैं एंड। तो गाइस फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में गाइस सुबह। तो गाइस ये हमारा मेन मंदिर है, अभी बंद है पर्दा।